अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बड़े अरसे के बाद मुल्तान रोड से गुजरा और मैंने अपना घर देखा, जो हम सबका घर है, एक्टरों का एवर न्यू स्टूडियो। ओ हो हो, अस्सलाम, क्या हाल है यार। मैं अपनी फीलिंग बता नहीं सकता इस वक्त मेरी फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पे दिल धरने की जगह नहीं होती थी, इतना रश और इतनी शूटिंग, इतने से एरिया में दो दो तीन तीन फिल्मों की शूटिंग्स हुआ करती थी एक बार। ओहो, मैं कभी आपको डिटेल से दिखाऊंगा, कभी आपको डिटेल से दिखाऊंगा अपना स्टूडियो। ये इसका जो है गेट है मेन, ये दूसरा एंट्री वाला, वो सामने फुहारा, लेफ्ट साइड पे मोहम्मद अली साहब का कमरा हुआ करता था, राइट पे किन का था जी, दर्पण साहब का था, दर्पण साहब का। आए हाय, ये राइट लेफ्ट पे अली साहब और दर्पण साहब के कमरे थे। और ये सेट लगा हुआ जी सेंट्रल जेल लाहौर का। ओए होए होए, वैसे के वैसे ये जो दो खिड़कियां आप देख रहे हैं, ये खिड़की जो है ये ऑफिस था हमारे यूसुफ खान साहब, ये ऑफिस थी। यहाँ जी यूसुफ खान साहब की कुर्सी और क्या दबदबा और क्या रोब हुआ करता था। ये मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगा अपने चैनल पे, आपको सारे वो फ्लोर्स दिखाऊंगा यहाँ पे हम शूटिंग्स करते थे। आजकल ये किन हालात में, थाने का सेट पक्का ही लगा दिया, लेकिन ये पहले नहीं था। इसको हर फिल्म के लिए ना अलग से रंग किया जाता था, हवेली बना दी, थाना बना दिया, विलन का डैन बना दिया, ये सब होते थे। ये ऊपर सारे फिल्मों प्रोड्यूसर्स के कमरे हुआ करते थे। और देखें बिल्कुल सन्नाटा है। ओ हो 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 हो, और वो जो बाहर आप गेट देख रहे हैं, इस गेट के बाहर हर वक्त तकरीबन सैकड़ों लोग। अब्दुल्ला चिल्ली साहब जी हमारे सॉन्ग राइटर और फिल्म राइटर, जिन्होंने हीरो भी लिखी मेरी और उसके गाने भी लिखे। मैं आपको डिटेल से अभी किसी दिन ना, ओहो हो, मेरे रोंगटे खड़े हुए हुए हैं और मैं आपको अपने जज्बात बता नहीं सकता। बारी के ले जाओ, और बारी तो बिल्कुल, ये तो फिर आबाद है बारी जो है, वो सुना है कि जी उसमें भी घर बन गए, अब वो फ्लोर्स बने हुए हैं, अंदर ट्रक और गाड़ियां खड़ी हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, की हाल है, ठीक हो, कितना अरसा हो गया थानू फिल्म इंडस्ट्री? चालीस साल हो गए ने, ये सारे हमारे सारे हमारे 80 में आए थे आप, ते मैं 92 च आया सा। अल्लाह ताडी खैर करे, और सब खैर करिए थे, ठीक हो, अल्लाह का शुक्र है। ओ इधर आवे, इधर आ कावे, इधर आ जा, इधर आ, खा पी लो कुछ, कुछ खा पी लो, मंगा के चका के खाना के, नाल ही कटे तो खा पी लो, ठीक हो ना। हमारे गेट कीपर जी की रौनक होंगे सन इतने, दस साहब क्या बात है, रौनक अल्लाह करे फिर बात हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे। सितारे आनगे तो चमकेगा ना, आ रहे हैं यार, दफ्तर खोल के असि रोज बहने, मैं करना गल इंशाल्लाह। ओके ओके, ओए होए होए, देखे दुआवा कर दे, नहीं बारी में एक दफा आऊंगा, आपको डिटेल से वीडियो दिखाऊंगा जी इंशाल्लाह। और आपको डिटेल से इंशाल्लाह दिखाऊंगा वीडियो। आप सेहतमंद हैं चिल्ली साहब, अब्दुल्ला नाम है जी इनका, चिल्ली इनको टाइटल दिया था मरहूम मुनव्वर जरीफ साहब ने, इन्होंने मुनव्वर साहब के साथ भी काम किया हुआ है, और इनकी बदकिस्मती मुनव्वर साहब के साथ काम के मेरे साथ भी किया था। हाय हाय हाय, देखो ये कितना खुशकिस्मत है, उसके साथ बैठा हुआ है, नहीं यार मुनव्वर के साथ, हाय हाय, ये मेरी खुशकिस्मती है ना, थोड़ी तो बदकिस्मती, तुसी मुनव्वर साहब वर्गे आर्टिस्ट नाल काम करके, तुसी मेरे वर्गे एक्टर नाल काम करके, अपना अपना महसूस है, क्या बात है, मुनव्वर साहब सलामत रखे, आमीन, ये भी किसी को काटा नहीं हो रहा, अल्लाह और होएगा इंशाल्लाह, पूरी दुनिया के एले वर्गा आर्टिस्ट एडी जोड़ी कोई नहीं है, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे, एक्ट करना भी आऊंगा तो एक्ट करना भी आऊंगा, दीदी फुटेज भी मुकम्मल का होती है, हां जी, बाकी और तो सारे लोग आउंदे जाते, बड़े लोग आए, बड़े लोग सबको अल्लाह इज्जत दे जी। बस जी आप लोग
हमारे स्टूडियो के लिए दुआ करें कि वो बहारें फिर आए, और जैसे आप संडे के संडे इंतजार करते थे और फ्राइडे के फ्राइडे कि नई फिल्म लगनी है तो टिकट निकालनी है, पहले आएंगे वो दिन जी इंशाल्लाह। अच्छा जी चले इंशाल्लाह, मैं डिटेल से किसी दिन, अगर आपने पूरा वो सारे फ्लोर्स देखने हैं तो मुझे बताइएगा, मैं टाइम निकाल के तो किसी दिन आके तो पूरा वो करूंगा, डिटेल से बताऊंगा। और जी मैं आपके इस बेटे के होते हुए एक बाप की, लोगों ने बहुत लोगों ने माँ के लिए लिखा है, हाँ। और मैंने कुछ बाप के लिए कहा, मैंने कहा यार सारे माँ के लिए कहते हैं, आगे जाना है इधर जाना है, बाप के लिए क्यों नहीं कुछ कहते। अच्छा। तो मैंने शायर भी है जी, सुने। सोचा हाँ और मैंने कहा कि आपके दम से मिला औरत को माँ का ये मकाम, आपके दम से मिला औरत को माँ का ये मकाम, हाँ। पुकारती है दुनिया मुझको लेकर तेरा नाम, अब्बा तुझे सलाम, बाबा तुझे सलाम, और दीन में अगर इजाजत होती सजदे करता तुझको, ओ हो हो, दीन में अगर इजाजत होती सजदे करता तुझको, क्या क्या दुख सहे हैं तूने और पाला है मुझको, हाय हाय, याद है मेरी खातर किए हैं जो जो तूने काम, अब्बा तुझे सलाम, बाबा तुझे सलाम, वाह वाह वाह। आगे नहीं, आगे सस्पेंस है, अगली वीडियो में, अगली वीडियो में बाप के लिए लिखा है जी, कहते हैं जी माँ के लिए तो सभी लिखते हैं और बहुत ज्यादा लिखा जाता है, और बाप का मुकाम भी कम नहीं है। सॉरी क्या है, आपका बाप आपसे राजी है तो रब आपसे राजी है, अगर बाप आपका नाराज है तो रब आपका नाराज है। तो जिन जिन के वालिद जिंदा है, वालिदैन जिंदा है, आप उनकी खिदमत करें, और जितना भी टाइम मिले यार जफियां पाया करो, बाद बंदा बड़ा पछताता है, दिन एक दो जफियां, अबे ना जरा, अबे ना, माँ से तो सारे लाडियां कर लेते हैं, बाप से नहीं करते, बाप से किया करो यार लाडियां, जिन्हें प्यार तुसी आजकल बीवियां ना कर जो ना, वो क्या प्यार है, अबे ना करिया करो, अगर अगले जानदा सौदा ना, वो अब्बा ही है, अब्बा ही है, इस तरह ही है कि प्यो नु बच्चियां दा ख्याल करना चाहिए, बच्चियां नु स्टूडियो की वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा किस फ्लोर पे क्या क्या गाने हुए थे, अपने यादें आपसे शेयर करूंगा, जरूर बताइएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें, रब रखा।